मित्रों नमः संस्कृता संस्कृत देवाणी गंगा चैनल पर आज हम जो है यूजीसी नेट या एनटीए नेट की जो परीक्षा आने वाले समय में होने वाली है उसमें जो वैदिक साहित्य से संबंधित जो पाठ्यक्रम दिया गया है कुछ उसमें सूक्तों की चर्चा की गई है और उसी सूक्त से आज हम अग्नि सूक्त की चर्चा करेंगे। वैसे तो सारे सूक्तों की चर्चा की जाएगी लेकिन सर्वप्रथम हमने अग्नि सूक्त को चुना, कारण भी था कि यह सबसे प्राचीन वेद के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त था, ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त था। और अग्नि सूक्त जो है इसमें कभी पूछा जाता है या पूछ लिया जाता है कि अग्नि सूक्त के देवता क्या हैं, तो जिस सूक्त में जिस देवता की स्तुति की जाती है अर्थात जैसे पुरुष सूक्त में पुरुष देवता हैं, वाक सूक्त में वाक देवता हैं, इंद्र सूक्त में इंद्र देवता हैं, उसी तरह अग्नि सूक्त में अग्नि देवता हैं। तो पूछ लिया जाता है अग्नि सूक्त में देवता हैं तो अग्नि हैं। दूसरा है कि ऋषि सूक्तों में बदलते रहते हैं, अग्नि सूक्त के जो ऋषि हैं वह विश्वामित्र के पुत्र मधुच्छंदा हैं। यह भी प्रश्न बनता है कि अग्नि सूक्त के ऋषि तो विश्वामित्र के पुत्र मधुच्छंदा हैं, इसमें कौन सा छंद है अग्नि सूक्त में, तो अग्नि सूक्त में गायत्री छंद है। कितने श्लोक हैं या कितने मंत्र हैं, 9 मंत्र दिए गए हैं। स्वर कौन सा है तो षडज स्वर है, आपको पाणिनि शिक्षा में बताया गया होगा, उसका वीडियो पढ़ा होगा तो उसमें बताया गया षडज स्वर है, तो इस मंत्र में कौन सा स्वर है, षडज स्वर है। इस सूक्त को अर्थ सहित जानने से पहले हम इस सूक्तों का क्या करते हैं, वाचन कर लेते हैं, तो आप भी हमारे साथ वाचन कीजिए। हरे ओम अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमं अग्निः पूर्वे वेरिषभे ऋड्यो नूतनैरुत स देवाँ एवच्छति अग्निनारयमस्नवत पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्नेयं यज्ञमद्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यः चित्रस्रवस्तमः देवो देवे विरागमत् यदंगदासु से त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यमंगिर उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयं नमो भरन्त एमसि राजन्तमद्वराणां गोपामृतस्य दिदिविं वर्धमानं स्वेदमे स न पितेव सून विघ्ने सोपायनो भव स च स्वान स्वस्तये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। तो सबसे पहले हम पहले सूक्त ऋग्वेद के प्रथम मंडल का जो अग्नि सूक्त है, प्रथम मंडल के पहले सूक्त का पहला श्लोक मंत्र है कि अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवमृत्विजम होतारम रत्नधातमम। अग्निमीडे, ईड एक धातु है स्तुति करने के अर्थ में, तो ईड स्तुतो धातु है, तो अग्निम ईडे मैं उस अग्नि की स्तुति करता हूँ, पूजा करता हूँ। यज्ञस्य पुरोहितम, जो यज्ञ के पुरोहित भी हैं वह अग्नि क्या है, यज्ञस्य पुरोहितम अग्निम ईडे, मैं उस यज्ञ के पुरोहित अग्नि की क्या करता हूँ, स्तुति करता हूँ। पुरोहित अर्थात कि जैसे राजा
राजाओं के जो पुरोहित होते हैं वह राजा के अभिष्ट के लिए कार्य संपादन करते हैं, उसी तरह यज्ञ के संपादन के लिए अग्नि भी क्या करते हैं, उसमें अपने अभिष्ट को संपादित करते हैं। और देव मृत्युजम होतारम रत्न धात्मम, देव माने दान देने वाले अर्थात उस प्रकाशमय अग्निदेवम माने उस अग्नि को, ऋतुजम होतारम अर्थात जो अग्नि करने वाले होते हैं ऋत्विक कहलाते हैं। और ये चार प्रकार के होते हैं, होता, उद्गाता और आपका अधर्यु और एक ब्रह्मा, ये चार प्रकार के ऋत्विक माने गए हैं। तो इन ऋत्विकों में अग्नि क्या है, ऋत्विक होता है अर्थात होतारम अर्थात होता है, और रत्न धात्मम रत्न धारण करने वाले, रत्न धारण करने वाले अर्थात अग्नि से यज्ञ करने से जो सबसे ज़्यादा फल देने वाला होता है अर्थात उसके पास ज़्यादा धन होता तभी वह ज़्यादा फल दे सकता है। तो रत्न धात्मम अर्थात उस अग्नि देवता को, अग्नि की हम पूजा करते हैं यज्ञ के माध्यम से, तो वह सबसे ज़्यादा फलीभूत होता है। तो यज्ञ में सबसे ज़्यादा फल देने वाले उस अग्नि की मैं स्तुति करता हूँ। और ऋतुजम होतारम अर्थात उस होता का, अर्थात होता कौन है, अग्नि ही है, क्योंकि अग्नि में द्वितीय लगा है, अग्निम पुरोहितम देवम होतारम रत्न धात्मम, यह सब क्या है, अग्नि के विशेषण हैं। तो यहाँ पर सीधा सा अर्थ है कि ऐसे पुरोहित को, ऐसे ऋत्विज को, ऐसे देवम को अर्थात प्रकाश देने वाले या दान देने वाले ऋत्विज को, ऐसे होता को और ऐसे रत्न धात्मम को, ऐसी अग्नि को मैं क्या करता हूँ, स्तुति करता हूँ। दूसरा इसका मंत्र है, अग्नि ही पूर्वे भी ऋषभ, अग्नि ही पूर्वे भी ऋषभ इडयो नूतनैरुत। इसमें बताया गया कि पूर्वे भी ऋषभ और नूतनई, ये तीन शब्द हैं। नूतनई माने नूतन या अर्वाचीन, पूर्वे भी माने पूर्व में अर्थात प्राचीन, ऋषभ माने ऋषियों के द्वारा, ईडे माने पूजे जाने योग्य। वह अग्नि देवता पहले जो है प्राचीन ऋषियों के द्वारा भी स्तुत किए जाते थे, और बाद में अर्वाचीन नूतनई माने नवीन ऋषियों के द्वारा भी उनकी पूजा की जाती थी। ऐसे अग्नि देवता सह माने वह अग्नि देवान इह वक्षति, देवान इह वक्षति। तो यहाँ देवान कैसे हो गया, तो यहाँ समझने वाली बात है कि यदि पद का नकार हो उसके बाद अगर कोई स्वर आता हो और उस नकार के पहले यदि आवरण हो तो उस न का लोप हो जाता है, और उस लोप हो जाने पर वहाँ पर क्या चलता है, अनुनासिक का चिन्ह लग जाता है। तो देवान इह वक्षति, तो देवान आ इह वक्षति, वह अग्नि क्या करे, वह देवताओं को इस अग्नि में या इस यज्ञ में लावें। अग्नि पूर्वे भी ऋषि ऋडयो माने उस अग्नि को जो प्राचीन ऋषियों के द्वारा पूजनीय थे, और वही अग्नि अर्वाचीन ऋषियों के द्वारा स्तुति करने योग्य हैं, वह अग्नि देवाम देवताओं को इस यज्ञ में बुलाएं। तीसरा इसका है कि अग्निना रईम, वह जो अग्नि है रईम, ये अधिकतर पूछ लिया जाता है और ज़्यादातर प्रश्न आया है कि रईम का अर्थ क्या होता है, रईम का अर्थ होता है धन। अग्निनाम रईम अस्नवत पोषमेव दिवे दिवे, उस अग्नि से जो हमें धन की प्राप्ति होती है या उस अग्नि की कृपा से जो हमें धन प्राप्त होता है या यजमान को जो धन प्राप्त होता है, वह धन क्या करता है, पोषमेव दिवे दिवे प्रतिदिन वह बढ़ता रहता है, और यशसम वीर वत्तमम, और उस धन से क्या होता है, वीर पुरुषों की नियुक्ति होती है। पहले के राजा जो होते थे वह यज्ञ करके क्या करते थे, धन प्राप्त करते थे, उस धन से वह वीर सैनिक को क्या करते थे, राज्य की रक्षा के लिए वह धन को, राज्य की रक्षा के लिए वह वीर पुरुषों को क्या करते थे, अपने सैनिक में उनको जगह देते थे, अर्थात जो वीर होता था, जो बलशाली होता था
उनको अच्छी प्रकार से उनका देख रेख करते थे। तो अग्नि नाम रईम अस्नवत पोषमेव दिवे दिवे यश संबेरवतम। तो यहाँ पर यही बताया गया कि उस अग्नि के द्वारा या उस अग्नि यज्ञ के द्वारा जो धन प्राप्त होता है, यजमान को जो धन प्राप्त होता है, वह धन प्रतिदिन क्या करता है, कीर्ति को बढ़ाने वाला होता है, यश को बढ़ाने वाला होता है और वीर श्रेष्ठ पुरुषों को प्राप्त करने वाला होता है। अग्नेयम यज्ञ मध्वरम विश्वतः परिभोरसे स इद्देवे सुगच्छते। अग्नेयम यज्ञ मध्वरम अर्थात आप जो उस यज्ञ के चारों तरफ परिभोरसे, चारों तरफ रहकर, अध्वरम माने हिंसा रहित, माने उस यज्ञ को हिंसा रहित करके चारों तरफ से आप जो व्याप्त होते हैं, सह माने वह अग्नि इद देवेशु गच्छति, और उस अग्नि में जो हवि सामग्री डाली जाती है वह हवि सामग्री आप देवताओं तक क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। तो स इद देवेशु गच्छति माने जो हम लोग स्वाहा स्वाहा करते हैं या जो भी कुछ अग्नि में हम लोग डालते हैं पूजा पाठ या यज्ञ करते समय, उस सभी को वह देवताओं तक कौन पहुंचाता है, अग्नि पहुंचाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई, अग्नेयम यज्ञ मध्वरम माने उस यज्ञ की हिंसा रहित करते हो, अर्थात आप जो यज्ञ किया जाता है उसको हिंसा रहित रखकर और चारों तरफ से उसे घेर कर विश्वतः परिभूर से चारों तरफ से आच्छादित करके सह इद्देवेशु गच्छति, आप क्या करते हो उस यज्ञ में जो हवि सामग्री डाली जाती है उसे देवताओं तक पहुंचाते हो। अगला श्लोक है अग्निर्होता कवे क्रतु, अग्निर्होता कवे क्रतु। तो यहाँ पूछा जाता है कि अग्नि को क्या क्या कहा गया है, तो अग्नि को होता भी कहा गया है, कवि क्रतु भी कहा गया है। तो ये सब विशेषण है, जैसे प्रथम श्लोक में बताया गया ना होतारम रत्नधातम, तो वहाँ पर होता कौन है, जो होता कवि क्रतु अर्थात होता माने देवताओं को बुलाने वाला होता कहलाता है। कवि क्रतु उच्च बुद्धि वाला या उच्च बुद्धि का विकास करने वाला कवि क्रतु सत्य चित्र स्रवस्तमय, सत्य का पारायण करने वाला, अतिशय कीर्ति को देने वाला, देवो देवे भीरागमत, देवो माने देवह देवे भी आगमत, वह क्या करें, देव माने क्या, अग्नि, वह अग्नि देव सभी देवताओं के साथ, देवे भी बहुवचनांत है, सभी देवताओं के साथ आगमत हमारे इस यज्ञ में आए। अर्थात अग्नि हमें प्रत्यक्ष रूप से तो अग्नि दिखाई पड़ता है, लेकिन उस वह अग्नि से जब मंत्रों के द्वारा देवताओं का आह्वान किया जाता है तो वह कार्य कौन करता है, वह अग्नि देवता करते हैं। तो अग्निर्होता कवे क्रतु अर्थात जो अग्नि है वह देव होता अर्थात देवताओं को बुलाने वाला, इसीलिए अग्नि का अपर नाम होता, अग्नि का अपर नाम कवि क्रतु, रत्न धातम, सारे विशेषण मिलेंगे, यह आप नोट कर लें, शायद या लगभग जो है कभी कभी पूछ लिया जाता है कवि क्रतु किसे कहा गया, होता किसे कहा गया, रत्न धात्मम कौन है, तो यह सब आपको याद होना चाहिए। और हमारा अगला श्लोक है यदंग दासु से त्वमग्ने भद्रम करिष्यसे और तवेत तत् सत्यम अंगिर है। तो यदंग दासु से तुम अग्नि, यहाँ अग्नि क्या है, संबोधन का है, हे अग्नि तुम क्या करते हो हवि सामग्री के द्वारा या जो यजमान हवि सामग्री दान करता है या जो यजमान आप को जो है दान करते हैं उसका आप क्या करें, कल्याण करें। अर्थात दासु से हवि सामग्री के द्वारा जो दान दिया जाता है, हे अग्नि तुम उसका क्या करो, कल्याण करो, करिष्य से माने आप उसका कल्याण करेंगे, और तवेत तव इति तत् सत्यम अंगिरह,
और यही सत्य है। तव इति माने ही, तत् माने वह, सत्य माने सत्य है, और दिया है अंगिरह। और एक श्रुति है कि यज्ञ से जो है अंगिरा ऋषि उत्पन्न हुए थे, तो यह क्या है, सत्य। अर्थात तुम कल हे अग्नि देवता, आप कल्याण के लिए जो है आप क्या करते हो, हमेशा सत्य का मार्ग अपनाते हो। यदंग दासुशेष तुम अग्नि, जो हव्य सामग्री यजमान के द्वारा दी जाती है या ली जाती है, आप उसका कल्याण करते हैं, और यही तत्माने वही हमारा तुम्हारा क्या है, सत्य। यही आपका सत्य है, अर्थात आप के ही द्वारा उस यज्ञ से अंगिरा ऋषि का जन्म हुआ। तो अब चलते हैं हम अगले श्लोक की तरफ। उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्ध्या वयम् नमो भरंत एमसे। इसमें दोषा अर्थात रात्रि को प्रकाशित करने वाले, दोषावस्था अर्थात रात्रि को प्रकाशित करने वाले हे अग्नि, तुम वयम माने हम सब के लिए, दिवे दिवे माने प्रतिदिन क्या करते हैं, धिया माने श्रद्धा पूर्वक, नमो माने नमस्कार, भरंते माने करते हुए, त्वा उप आ इमस, तो यहाँ पर संधिकार हो गए, त्वा माने तुम्हारे, उप माने समीप, आ इमस आते हैं। तो रात्रि को प्रकाशित करने वाले हे अग्निदेव, हम सब आपको धिया माने बुद्धि या श्रद्धा से नमस्कार करते हुए आपके समीप आते हैं। अगला है राज, तो ये राज धातु क्या है, प्रकाशित करने के अर्थ में, कि राज राजन मध्वराणाम गोपामृतस्य दे देवीं वर्धमानम स्वेदमे। तो यहाँ पर बताया गया कि आप जो ये प्रकाशित करते हो, किसको करते हो, यज्ञ अध्वराणाम माने हिंसा रहित यज्ञ को, और राजंतम माने यज्ञ को प्रकाशित करने वाले या फल देने वाले, हिंसा रहित यज्ञ को करने वाले, या गोपाम माने रक्षक, हिंसा रहित यज्ञ के रक्षक, ऋतस्य दिदीम, आप उनके फल को क्या करते हो, बढ़ाते हो, दिदीम माने प्रकाशित करते हो, वर्धमानम स्वेदमे, वर्धमानम दमे का अर्थ कभी कभी पूछ लेता है, दमे माने होता है घर, आप अपने यज्ञ रूपी यज्ञशाला में हमेशा बढ़ते रहते हो। जो यज्ञ का स्वरूप होता है उसमें यज्ञ क्या है, वह अपने घर में हमेशा बढ़ते रहते हैं। तो उसी तरह राजन मध्वराणाम अध्वराणाम, राजन अध्वराणाम गोपामृतस्य दिदीम वर्धमानम स्वदमे, अर्थात हे अग्निदेव हमारे घर में आप हमेशा बढ़ते रहो। स नः पीतेव सून विघ्ने सोपायनो भव सचस्वान स्वस्तये। सह माने वह, न माने हम सब के लिए, ये वैकल्पिक रूप है। पीतवे सूनवे माने पिता, सूनवे माने पुत्र, हे अग्नि देवता जिस प्रकार से एक पिता अपने पुत्र को, एक पिता अपने पुत्र की तरफ आसानी से पहुंच सकता है या आसानी से उसके पास पहुंच सकता है, उसी तरह आप भी हमारे लिए आसानी से या आसानी से पहुंचने योग्य बनो, और भाव माने होएं, और सचस्वा न स्वस्थ, और आप हमारा कल्याण करें। कहने का तात्पर्य है कि आप हमारे साथ रहें। तो इस नौ मंत्रों में जो है अग्नि की व्याख्या की गई। तो स्तुति करने का अर्थ होता है भाई, हम किसी की अगर स्तुति करते हैं तो उसके स्तुति में हम उनको अनेक नाम देते हैं। इसकी अगर हमें प्रशंसा करनी हो तो प्रशंसा में हम लोग क्या करते हैं, उसके गुणों का हम बखान करते हैं। तो इसकी अग्नि सूक्त में भी अग्नि की स्तुति की गई और उनके गुणों का बखान किया गया। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएँ। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।